वेलकम टू अवर चैनल ITI MCQ गुरु। आज हम लास्ट ईयर CBT एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपको इस CBT एग्जाम में हेल्पफुल होगी। ये लास्ट ईयर के अपीयर हुए स्टूडेंट की मार्कशीट है, जो एग्जाम 16 फेब 2021 में हुई थी, जिसमें ट्रेड थियरी 40 क्वेश्चंस और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज द डायोड कैन विथस्टैंड? डायोड की विथस्टैंड पर अधिकतम रिवर्स वोल्टेज का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, पीक इनवर्स वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भागों को पहचानिए। राइट आंसर इज ए, बाउल रिफ्लेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, विच जनरेटर हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन? किस जनरेटर में वोल्टेज नियमन का बहुत अधिक मान है? राइट आंसर इज सी, सीरीज जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज एक्स इन फिगर। आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भागों को पहचानिए। राइट आंसर इज बी, स्लॉट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज टू हाई? शंट फील्ड प्रतिरोध बहुत बड़ा होने पर क्या होता है? राइट आंसर इज ए, फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर? कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? राइट आंसर इज बी, DC मोटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भागों को पहचानिए। राइट आंसर इज ए, डाइवर्टर। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मोटर कंसीडर एज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर? किस मोटर को निरंतर गति मोटर माना जाता है? राइट आंसर इज ए, DC शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉट मीटर टू बी यूज फॉर बैलेंस थ्री फेज पावर मेजरमेंट? बैलेंस थ्री फेज पावर मेजरमेंट के लिए वॉट मीटर की मिनिमम संख्या क्या है? राइट आंसर इज ए, 1। क्वेश्चन नंबर 10, विच मटीरियल इज यूज टू कंस्ट्रक्ट आर्मेचर कोर ऑफ अल्टरनेटर? अल्टरनेटर के आर्मेचर कोर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, सिलिकॉन स्टील। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज यूज इन अ वेस्टर्न टाइप इलेक्ट्रोडाइनामोमीटर सिंक्रोस्कोप? वेस्टर्न प्रकार के इलेक्ट्रोडाइनामोमीटर सिंक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज सी, ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्पीड द सेंट्रिफ्यूगल स्विच एक्ट इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? किस गति पर सेंट्रिफ्यूगल स्विच सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कार्य करता है? राइट आंसर इज ए, अबाउट 70% ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक द शेडिंग कॉइल ऑफ अ शेडेड पोल मोटर? एक शेडेड पोल मोटर की शेडिंग कॉइल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज डी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वाइंडिंग सर्किट? क्वेश्चन नंबर 14, विच वाइंडिंग सर्किट विल हैव मोर रेजिस्टेंस इन अ स्प्लिट फेस रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर? स्प्लिट फेस प्रतिरोध प्रकार इंडक्शन मोटर में किस वाइंडिंग सर्किट में अधिक प्रतिरोध होता है? राइट आंसर इज सी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर? एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? राइट आंसर इज बी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड वाइल स्टार्टिंग बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर?
स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा शुरू करते समय थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट कितनी गुना कम हो जाता है? राइट आंसर इज सी, रूट थ्री टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 17. नेम द पार्ट मार्क एस एक्स. एक्स के रूप में चिन्हित भागों को पहचानिए. राइट आंसर इज सी, स्टेटर वाइंडिंग. क्वेश्चन नंबर 18. विच पार्ट ऑफ स्क्विरल केज रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड. स्क्विरल केज रोटर पर कंडक्टर बार शॉर्ट सर्किट किससे किया जाता है? राइट आंसर इज ए, एंड रिंग्स. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इन अ पैनल बोर्ड वेयर केबल आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड. एक पैनल बोर्ड में भाग का नाम क्या है जहां केबल पूरी तरह से संलग्न है? राइट आंसर इज बी, केबल एले. क्वेश्चन नंबर 20. विच पीवीसी मटेरियल इज यूज्ड इन अ पैनल बोर्ड फॉर प्रोवाइडिंग पाथवे फॉर वायरिंग इनसाइड. कौन से पीवीसी सामग्री का उपयोग पैनल बोर्ड में वायरिंग के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर इज ए, रेसवे. क्वेश्चन नंबर 21. विच इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एस एक्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट के एक्स के रूप में चिन्हित भागों का नाम बताइए. राइट आंसर इज बी, वाल्व हाउस. क्वेश्चन नंबर 22. विच इज द नेम ऑफ पावर स्टेशन. पावर स्टेशन का नाम कौन सा है? राइट आंसर इज ए, हाइड्रो पावर स्टेशन. क्वेश्चन नंबर 23. विच इज द साइज ऑफ बाइंडिंग वायर्स यूज टू बाइंड अ इंसुलेटर इन ओएच लाइन्स. ओएच लाइन में इंसुलेटर को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाइंडिंग तारों का आकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 23. विच इज द साइज ऑफ बाइंडिंग वायर यूज टू बिल्ड इंसुलेटर इन ओएच लाइन्स. Which is the size of binding wire used to build insulator in OH lines? OH line में insulator को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले winding तारों का आकार क्या है? Right answer is C, not less than 2 square mm. Question number 24. Which instrument is used for parallel operation of alternators? Alternator के समांतर संचालन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज ए, सिंक्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 25. विच इज द मिनिमम साइज ऑफ पीवीसी कॉन्ड्यूट यूज इन अ गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन प्रिस्क्राइब बाय सीपीडब्ल्यूडी. सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित सरकारी प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पीवीसी पाइप का मिनिमम आकार क्या है? राइट आंसर इज सी, 19 mm. क्वेश्चन नंबर 26. विच एसेसरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द BIS सिंबल. BIS सिंबल द्वारा किस एसेसरी को बताया गया है? राइट आंसर इज डी, सॉकेट आउटलेट 16 एम्पियर. कॉमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर, सुरक्षात्मक उपकरणों और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाता है? राइट आंसर इज ए, डाइवर्सिटी फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 28. विच प्रिंसिपल द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स. ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर इज बी, म्यूचुअल इंडक्शन. क्वेश्चन नंबर 29. विच इज द नेम ऑफ कनेक्शन. कनेक्शन का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, स्कॉट कनेक्शन. क्वेश्चन नंबर 30. विच पार्ट रिड्यूस द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर एंड वाइंडिंग्स. ट्रांसफॉर्मर कोर और वाइंडिंग की ऊष्मा किस भाग से कम की जाती है? राइट आंसर इज ए, ट्रांसफॉर्मर ऑयल. क्वेश्चन नंबर 31. विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इज बी, इग्निशन ट्रांसफॉर्मर. क्वेश्चन नंबर 32. विच कंडक्टर इज यूज इन ओवरहेड लाइन्स. किस कंडक्टर का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? राइट आंसर इज सी, SCSR कंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 33. विच इज अ लाइन प्रोटेक्टिव डिवाइस. लाइन प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी है? राइट आंसर इज डी, सर्किट ब्रेकर.
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग इन ओवरहेड लाइंस? ओवरहेड लाइन के ऊपर बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, लाइटनिंग अरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ सर्किट ब्रेकर आर रेटेड? सर्किट ब्रेकर को कैसे रेट करते हैं? राइट आंसर इज डी, एमवीए। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द कॉमन फॉल्ट लाइकली टू अकर इन अंडरग्राउंड केबल? जमीन के नीचे केबल में होने वाले कॉमन दोष का नाम क्या है? राइट आंसर इज बी, ग्राउंड फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द केबल लाइंग मेथड? केबल बिछाने की विधि का नाम क्या है? राइट आंसर इज ए, लाइंग इनटू डक। क्वेश्चन नंबर 38, विच आर द टाइप ऑफ प्रेशर केबल्स? प्रेशर केबल किस प्रकार के होते हैं? राइट आंसर इज ए, ऑयल फील्ड एंड गैस प्रेशर केबल्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच कलर इज टू बी पाउडर कोटेड ऑन अ कंट्रोल पैनल एज पर आईई रूल्स? आईई रूल्स के अनुसार कंट्रोल पैनल पर पाउडर कोटिंग किस कलर का किया जाता है? राइट आंसर इज बी, सीमेंट ग्रे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज इन कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त एसेसरी का नाम क्या है? राइट आंसर इज सी, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन एंजिन मूविंग पार्ट्स? जो एंजिन चलती भागों में लुब्रिकेशन तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इज बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स? घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? राइट आंसर इज बी, कॉन्टेक्ट सरफेस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। राइट आंसर इज ए, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125? यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किस वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? राइट आंसर इज डी, 2400 kg। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी? रेक्टेंगुलर बॉडी के गुरुत्व का केंद्र क्या है? राइट आंसर इज सी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज बी, डायामीटर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सर्कल इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या है? राइट आंसर इज बी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वैल्यू ऑफ 5a² b इंटू 8a^5 b^3? 5a² b इंटू 8a^5 b³ का गुणांक मान क्या है? राइट आंसर इज ए, 40a^7 b^4। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर राइज टू द पावर ऑफ 0? 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है? राइट आंसर इज बी, 1। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज एक्सपांड फॉर्म ऑफ a^3 - b^3? a^3 - b^3 का मान क्या है? राइट आंसर इज बी, a - b a² + b² + ab। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल? इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है? राइट आंसर इज डी, विनाइल पॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 52, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंकशाफ्ट? कौन सा बल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है? राइट आंसर इज बी, टॉर्सनल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 53,
What is the color of metal piece when heated to 250 degree centigrade while doing the tempering process? Tempering प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या है? Right answer is B, brown. Question number 54. What is the process of heat treatment? उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? Right answer is A, the process of heating and cooling to change the structure and properties. संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द एक्सपांड फॉर्म ऑफ एसपी? एसपी का विस्तृत रूप क्या है? राइट आंसर इज सी, सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट इज डिनोटेड एज आई? आई किसको निरूपित करता है? राइट आंसर इज बी, इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 57. What is the interest on if the principal of rupees 12,000 become to be a amount of rupees 15,600? साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है? Right answer is B, 3,600. Question number 58. Question number 58. Which authority publish schedule of rates? कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? Right answer is D, government department. Question number 59. Which of the impurity in cast iron make it hard and brittle? Question number 60. What is the name of an booklet? The rate of various terms are indicated. पुस्तिका का क्या नाम है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? राइट आंसर इज डी, प्राइस कैटलॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ITI MCQ गुरु. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट.